स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में फोनिक साउंड इन हिंदी पढ़ा था, तो आज उसकी हेल्प से हम छोटे छोटे वर्ड्स बनाकर आज उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है, हम साउंड ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है ए बी। ओके, ये हमारा क्या है, ए बी। ए का साउंड हिंदी में क्या था, ए को हम क्या बोलते थे, ए, ए पढ़ते थे, और बी को हम पढ़ते थे ब, है ना। हम जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो हमने फोनिक साउंड इन हिंदी पढ़ा था, तो उसकी हेल्प से हम आज नए वर्ड्स पढ़ेंगे। तो हमने ए को क्या पढ़ा था, ए, और बी को क्या पढ़ा था हिंदी में, ब। तो चलिए हम वर्ड्स बनाते हैं। तो हमारा अगर हम इसमें सी, अगर हम यहाँ पर सी राइट कर दे, तो सी को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, क। सी को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, क। और ये हमारा क्या हो गया, ऐप। तो इसको हम पूरा मिला के क्या पढ़ेंगे, कैप। इसको क्या पढ़ेंगे हम, कैप, क ऐप। इसको क्या पढ़ेंगे हम, कैप। उसी तरीके से हमारा ये हो गया डैप, डी ए बी। डी को क्या पढ़ते हैं, ड। डी को क्या पढ़ते हैं, ड। और ये हमारा क्या हो गया, ऐप। तो इसको हम पढ़ेंगे डैप। उसी तरीके से आगे देखते हैं, ये अगर हम यहाँ पर राइट कर दे एफ, तो एफ को क्या पढ़ते हैं हिंदी में, फ, फ। और ये एप क्या हो गया, फैप। यहाँ पे एल ए बी, एल, एल को क्या पढ़ते हैं हिंदी में, ल। और ये क्या है, एप। क्या हो गया हमारा, ये लैब। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर टी, टी का साउंड क्या है हिंदी में, टी को हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, ट। इसको क्या पढ़ते हैं, ट। तो क्या हो गया, टी ए बी। ये क्या है हमारा, ऐप, ना। तो ये क्या हो गया, ट ऐप। इसको बोलेंगे हम टैप। उसी तरीके से हम आगे देखते हैं, ये हमारा है ए जी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए जी। ए को क्या पढ़ते थे, ए। और जी को क्या पढ़ते थे, ग, है ना। तो ये हमारा हो गया एग। क्या हो गया, ये एग। तो हम इसमें चलिए क्या करते हैं, एक एक लेटर हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे, उसको पढ़ते जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे राइट कर दिया बी, तो बी, बी का साउंड हिंदी में क्या होता है, बी को हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, ब। और ये हमारा हो गया एग। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, बैग, है ना। इसको हम क्या पढ़ेंगे, बैग। ओके, तो ऐसे यहाँ पे एफ, एफ ए जी, एफ को क्या पढ़ेंगे, फ, एग। तो ये क्या हो जाएगा, फैग। यहाँ हो जाएगा एल, और ये हो गया ए, और ये हो गया जी। तो एल, एल को क्या पढ़ेंगे हम, ल। और ये हमारा क्या है, एग। तो ये क्या हो जाएगा, लैग। ठीक है, ऐसे यहाँ पे टी है, टी को क्या पढ़ते हैं हम, ट। और ये हमारा क्या है, एग। तो ये क्या हो जाएगा, टैग। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पे अगर हम राइट करते हैं यहाँ पे एन, तो एन को क्या पढ़ेंगे हम, न। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा नैग। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं साउंड ए आई एल। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए, ना। ये हमारा क्या है, ए। और ये क्या हो गया, एल। तो हमारा हो जाएगा आई एल। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एल पढ़ेंगे इसको, एल। ओके, इसको पढ़ेंगे एल। तो अगर हम यहाँ पे राइट कर दे एफ ए आई एल, तो इसको हम पढ़ेंगे फेल। क्या पढ़ेंगे, फेल। ठीक है, ये हमारा हो गया फ, और ये हो गया एल। तो हमारा क्या हो गया, फेल। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, ए आई एल, एल है ना। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे एन राइट कर देंगे, तो न, और ये एल, तो हो जाएगा हमारा नेल। अगर हम यहाँ पे टी राइट कर दे, तो ये हमारा हो गया ट, और ये हो गया एल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेल। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम राइट कर दे एस, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एस राइट कर दे, तो हमारा ये हो गया स, ए आई एल, सेल, ना। ये स हो गया, ये एल, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एम राइट कर दे, तो म, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, म। और ये हो जाएगा एल, तो हो जाएगा मेल। ओके, अब हम देखते हैं ऑल, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑल।
इसको हम पढ़ेंगे। और तो अगर हम यहाँ ये क्या है ए डबल एल, इसको हम पढ़ते हैं और, ठीक है, तो हम इसके आगे अगर हम राइट कर दे एच, तो एच को क्या पढ़ते हैं ह, और ये हमारा क्या हो जाएगा और, तो हम ये मेरा मिलके क्या हो जाएगा हॉल, क्या हो जाएगा हॉल। वैसे ही अगर यहाँ पे टी राइट कर दे तो ये टी से क्या हो जाएगा हमारा ये ट, और ये क्या हो जाएगा और, तो हो जाएगा ये, इसको हम क्या पढ़ेंगे टॉल। ठीक है, तो ऐसे ही हम पूरे वर्ड्स को बनाएंगे और साथ में रीडिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमने राइट कर दिया सी, तो ये क्या होगा क, और ये और, तो हो जाएगा कॉल, है ना। अब यहाँ पे अगर हमने राइट कर दिया डब्लू, तो ये हो जाएगा व, हमने इसको क्या पढ़ा था वॉ, वॉल, क्या हो जाएगा ये वॉल। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे राइट कर दिया एफ एफ, और ये ए डबल एल, तो ये क्या हो गया फॉर, और ये क्या होगा हमारा और, तो हो जाएगा ये फॉर। ठीक है, तो जितना भी आज हमने पढ़ा है उसको आप अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा, या फिर आपके बुक में भी होगा तो उसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं जो हमने फोनिक साउंड इन हिंदी में पढ़ा था, तो आज हमने उसकी हेल्प से ये पढ़ा है ना। तो इसी तरीके से आप इसको रिवीजन करते रहिए, सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे इसको राइट कर लीजिएगा, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉपी के इमेज को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो जितना हो सके आप उतना इसको रिवाइज करिएगा। थैंक यू।